हेलो गाइज, नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा जहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में रीज़न ज़रूर बताना। बाकी अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ठान ही लिए हो कि हम अपने अकाउंट को डिलीट ही करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को लाइव प्रूफ अपने अकाउंट को डिलीट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए बिना टाइम गवाएं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करते हो, आपके सामने यहाँ पर 3 डॉट मिल जाएगा, कॉर्नर पर आपको क्लिक कर लेना है। कॉर्नर पर जैसे ही क्लिक करते हो, जो आपको 3 लाइन मिलता है, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिलता है अकाउंट सेंटर बटन। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अकाउंट सेंटर बटन पर। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हो, फिर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रोफाइल्स भी देखने को मिल जाता है। लेकिन नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर। जैसे ही क्लिक करते हो, फिर आपके सामने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फो होता है, नंबर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन नीचे आप देखोगे तो आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का बटन मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाले बटन पर। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, डीएक्टिवेशन और डिलीशन का बटन आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डीएक्टिवेशन और डिलीशन का ऑप्शन जो मिलेगा, आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उस पर टैप कर देना है। जैसे ही टैप करते हो, आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डीएक्टिवेट अकाउंट जहाँ पर आपका पहले से ही टिक रहेगा, और नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलता है डिलीट अकाउंट। आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर जब आप टिक करोगे तो आपको कंटिन्यू का बटन नीचे मिल जाएगा, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो, फिर आपके सामने यहाँ पर रीजन पूछेगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हो। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो, आपका जो पासवर्ड है इंस्टाग्राम का, आपको पासवर्ड दे देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, पासवर्ड भूल गए हो, तो आप हमारे कोई और वीडियो देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए बना रखा हूँ, जो आपका पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो उसको कैसे पासवर्ड को रिकवर करना होता है, पासवर्ड को कैसे पता करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड को फिलअप कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो आप भी इस तरह से पासवर्ड को फिलअप करना, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस तो हो जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। सो गाइस, जैसे ही आप वेट करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको मिलता है कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डेट, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 30 जून, और यहाँ पे 2024। कहने का मतलब है, आपको समझना है, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दियो तो आप क्या करना है, 30 डेज से पहले आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। क्योंकि इंस्टाग्राम खुद ब खुद यहाँ पे आपको यहाँ पे मौका देता है, अगर आप गलती से गुस्से से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर रहे हो, डिलीट करना चाहते हो, या फिर डिलीट कर दियो, तो आप उसको 30 दिन के अंदर कभी भी अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो, आईडी का यूजर नेम दे करके, पासवर्ड दे करके, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो परमानेंटली ही डिलीट करना, यानी कि आप अपने अकाउंट को लॉगिन ही नहीं करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, 30 दिन तक यानी कि पूरे 1 महीने आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भूल जाना है। यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करके अपने अकाउंट को भूल जाना है, कभी भी लॉगिन नहीं करना है। अगर आप लॉगिन करते हो तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। 30 दिन से पहले आपको लॉगिन कर लेना, अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हो तो आपको अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन ही नहीं करना है। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, कोई भी आपके अकाउंट को नहीं पाएगा। कभी भी सर्च करेगा तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ इस तरह से अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे डिलीट अकाउंट पर क्लिक करते हो गाइज, आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं, लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने अकाउंट को यहाँ पर डिलीट किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लॉगिन आउट इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका दूसरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो मेरा यहाँ पे मेन अकाउंट है लॉगिन हो चुका है ऑटोमेटिक। अगर मैं उस अकाउंट को अगर लॉगिन करना चाहूँगा, यानी कि रिकवर करना चाहूँगा, तो 30 दिन पहले मैं अपने अकाउंट को 30 दिनों से पहले यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ, आईडी का यूजर नेम पासवर्ड दे करके। आप भी कुछ इस तरह से लॉगिन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर लॉगिन नहीं करना चाहते हो, परमानेंटली डिलीट करने के लिए डिलीट की हो, तो आपको क्या करना है, भूल जाना है, कभी भी उसको लॉगिन ही नहीं करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।